हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देखेंगे टैंक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पाइप, फ्लोर स्विच, आर्डुइनो यूनो बोर्ड, बजर, LCD 16x2, अडाप्टर मॉड्यूल एंड कॉपर शीट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, टीम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो सॉफ्ट सिस्टम्स पुणे, इनके माध्यम से आपके लिए लेके आया एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम, टैंक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, हर कोई अपार्टमेंट के ऊपर और ऑफिस के ऊपर, साथ में आपके टेरिस के ऊपर, अगर आप सिंगुलर घर लेके रहते हो तो उसके ऊपर एक टंकी होता है। उस टंकी में कितना पानी है हमें नहीं समझ पाता, यानी 25% पानी है, 50% पानी है, 75% पानी है, 100% पानी है, तो हमें मॉनिटर्स होना चाहिए। अपार्टमेंट में तो क्या है, कोई भी उसको यूज करता रहता है पानी को, और पानी जल्द खत्म हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि पानी कब खत्म हो गया। तो दैट्स वाई उस जगह पे ये सिस्टम्स बहुत कारगर साबित हो सकती है। इसमें हमने पानी के लेवल्स ही बता दिए, ताकि जो भी वॉचमैन है उसे समझ सके कि अभी टंकी में कितना पानी है। उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली नीचे का बोरिंग का मोटर ऑपरेट कर सकता है और पानी की टंकी फुल करवा ले सकता है। तो अगर पानी के टंकी में 25% पानी है, तो आपको तुरंत पानी भरना चाहिए, उन्हें समझ सकता है। तो दैट्स व्हाई हमने उसके लिए यहाँ पे LCD के ऊपर उसके लेवल दिखाने वाले हैं कि अभी पानी में टंकी में कितना पानी है। और साथ में फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का हमने उसके लिए पाइप डेवलप करवा लिया है। इसको एक हेवी बेस भी हमने नीचे लगा दिया है। तो ये जो हेवी बेस है, इस हेवी बेस के माध्यम से ये डंडा ऐसा खड़ा ही रहेगा, ये पाइप खड़ा ही रहेगा, ये लूज नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई ये बहुत रियल सिस्टम है, रियल प्रोडक्ट है। आप इसका रियल प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो मैंने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के प्रोजेक्ट हम ऐसे ही इस चैनल पर डाल रहे हैं हमारे। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ रहा होगा। इस प्रकार के प्रोजेक्ट टॉपिक्स अगर आपको परचेस करने हैं, तो दिए हुए नंबर के ऊपर आप संपर्क करके प्रोजेक्ट टॉपिक्स भी हमारे से ले सकते हैं। तो चलो अभी इसको किस प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हुए वो थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको ये सारा करने के लिए पहले तो एक किस प्रकार का पाइप मार्केट में से परचेस करना होगा, जो कि 2 इंच का पाइप हमने मार्केट में से परचेस कर लिया है। उसके साथ में हमने इसको यहाँ पे जो फ्लोर स्विच है, फ्लोर स्विच हैंग करने के लिए एक ऐसे कॉपर के स्ट्रिप्स बना लिए। कॉपर का पानी पीना अच्छा होता है, तो हमने इसके कॉपर के स्ट्रिप्स बना लिए एल शेप में, और उसको खोल करके छेद करके इसमें फ्लोर स्विच लगा दिए। तब कोई ये पाइप के बाद में इस प्रकार के नट बोल्ट जो कि SS के है, साथ में कॉपर के इस प्रकार के स्ट्रिप्स, ये फ्लोर स्विच आपको लगेगा। बाद में लगेगा Arduino नाम का माइक्रो कंट्रोलर, उसके साथ में लगेगा एक बजर। अगर भर जाता है पूरा टंकी तो आपको बजर भी बजने लग जाएगा, ताकि तुरंत स्विच ऑफ करने के लिए आपको इसका इंडिकेशन मिल सकता है। और साथ में दिखेगा एक LCD भी आपको इसके लिए लगेगा, 16x2 का LCD आपको इसके लिए लगेगा, और एक एडेप्टर मॉडल इसको पावर सप्लाई देने के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप के आपको इसके लिए कॉम्पोनेंट्स लगेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। और साथ में ये जो वायर से आपको अगर लेके जाना है कहीं पे, अभी तो मैंने यहाँ पे ही डेमो के लिए से लगाया हुआ है, आप दीवार के ऊपर फिक्स कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई यहाँ से जो वायर जाने वाली आप घर में अलग जगह पे ले जा सकते हो। अभी मैं ये मॉडल रियल इंप्लीमेंट करने वाला हूँ एक कॉलेज में, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ये सारे लंबे पाइप्स वगैरह बना लिए। तो मुझे इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर भी मिल चुका है, तो ये तो मैं आपको प्रोड्यूस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हम उसके प्रोडक्ट भी बनाते हैं। आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ये जो इसका एक प्रकार का वर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसका फ्लो कंट्रोल आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ऐसा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक नंबर के ऊपर एक फ्लोर स्विच लगाया है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको 25% के ऊपर लगा दिया है। टंकी का 25% पानी यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक टंकी में 50% पानी आता है, यहाँ तक टंकी में 75% पानी आता है, और यहाँ पर तक टंकी में हमारे 100% पानी आ जाता है। तो उस जगह पर मैंने ऑटोमेटिकली ये स्विच में यहाँ पे इसको माउंट कर चुका हूँ। तो ये मेरा पहला स्विच अगर इस प्रकार से पानी को सेंस करता है, तो इसमें के इसमें लगे हुए ये जो फ्लोट्स है उसके ऊपर फरक जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस प्रकार से। ओके फ्रेंड, तो अगर इस प्रकार से अगर ऊपर हो जाते हैं तो पानी वहाँ पे मौजूद है, ये समझ सकता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर मैं इस स्विच ऊपर करूँगा, तो यहाँ तक यानी पानी में अगर ये डूब जाएगा, तो 25% पानी का लेवल आपको इस LCD के ऊपर दिखाई देगा। अगर ये दूसरा स्विच भी पानी में डूब जाता है, तो आपको यहाँ पे 50% का लेवल दिखाई देगा। अगर ये भी स्विच पानी में आ जाता है, तो यहाँ पे 75% का लेवल आपको दिखाई देगा। अगर ये स्विच तक पानी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको 100% वाटर लेवल्स दिखाई देगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस काम करता है। तो
तो ये काम करने के लिए यहाँ से हमने कुछ सिग्नल्स निकाले हुए और वो हम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के डी पोर्ट्स को लेके गए। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में बीसीडी पोर्ट्स होते हैं, तो डी पोर्ट्स को मैंने सारे डिजिटल सिग्नल दे दिए और साथ में डी पोर्ट से मैंने एलसीडी को डी कनेक्शन करवा लिए। तो यहाँ पे आपको दिख सके कि कितने लेवल्स यहाँ पे था और बजर भी मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है ताकि बजर बज करते रहेगा। अगर आपको वाला 100% लेवल हो जाता है तो हमें समझ जाएगा वॉचमैन जो भी होता है अपार्टमेंट्स में या बिल्डिंग्स में वो तुरंत उसे मोटर को ऑफ कर देगा ताकि अभी 100% वाटर लेवल हो चुकी है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट काम करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश में सारा प्रोजेक्ट बता चुका हूँ, चलो चलते हैं भाई इसके डिमोंटेशन की ओर। डिमोंटेशन करते समय मैं यहाँ पे सिर्फ इसे हाथ से ऊपर करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कितना लेवल से आते हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते इसके डिमोंटेशन के लिए। उसके लिए मुझे इसे लगाना होगा सप्लाई, मैं सप्लाई अरेंजमेंट करके आपको तुरंत इसका डिमोंटेशन भी देता हूँ। चलो तो फ्रेंड्स मैं अभी इस मेरे मॉड्यूल को सप्लाई दे चुका हूँ और मैंने यहाँ पे पानी का संभावना है, यहाँ पे पानी आ सकता है, इसके लिए हमें इसे अलग रखना है तो मैंने इसे अलग भी रख दिया बोर्ड को। ओके, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे लाइव वाटर टैंक का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब। लाइव वाटर टैंक, टैंक एम्प्टी है क्योंकि कोई भी स्विच को भी पानी सेंस नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई आपको वाटर टैंक एम्प्टी दिख रहा है। जैसे मैं मेरा पहला स्विच यहाँ से ऑपरेट करता हूँ फ्रेंड्स, पहले लेवल का मैं स्विच ऑपरेट करवा रहा हूँ यहाँ से, तो आपको यहाँ पे टैंक लेवल 25% नजर आएगा। फ्रेंड्स अभी मैं दूसरा स्विच ऑपरेट करवा रहा हूँ, आपको अभी 50% इसमें दिख रहा होगा। अभी मैं तीसरा स्विच ऑपरेट करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे अभी 75% टैंक का लेवल दिख जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और मैं अभी अगर चौथा स्विच यहाँ से ऑपरेट करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे 100% वाटर का टैंक का लेवल दिख देगा। ओके, तो इस प्रकार से अभी ये बीप भी यहाँ पे बच चुका है ताकि आपको समझ सके कि ये पूरा टंकी भर चुका है, तो ये सारा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स स्विच किस तरह से मैं ऑपरेट करवा रहा था आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले ये स्विच ऑपरेट किया था तब जाके वहाँ पे 25% आया था, लेकिन मुझे इसे पकड़ के रखना होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 25% इसमें आया हुआ है। ओके, आप मेरे स्विच की तरफ उसे भी देख सकते हो। अब मैं इसे ऑपरेट करवा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 50% दिख रहा था। तो फ्रेंड्स लेकिन अगर मैं नीचे के स्विच छोड़ देता हूँ तो प्रॉब्लम आएगा, सो दैट क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं स्विचेस है। अभी ये 75% आपको दिख रहा है। ओके, अभी 50% वापस से आ गया, मैंने स्विच छोड़ दिया तो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं इसे तीसरे स्विच को ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं भी तीसरा स्विच ऑपरेट करूँगा देखो फ्रेंड्स, अभी ये यहाँ पे मैं अगर ये स्विच छोड़ देता हूँ तो ये फिर से 25% हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे कंटिन्यूसली में पकड़ के रखना होगा क्योंकि ये पानी में डूबे होते हैं, पानी में तो नीचे नहीं जाएंगे। अब ये तीसरा स्विच ऑपरेट हो रहा है, तो फ्रेंड्स जब ये तीसरा स्विच ऑपरेट होगा तो यहाँ पे अभी आपको 75% वाटर लेवल दिखने शुरू हो जाएगा। अभी मैं चौथा स्विच ऑपरेट करवा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे भी 100% दिख रहा होगा। इस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे 100% आपको कंप्लीट करवा दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इस प्रकार के प्रोजेक्ट टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स को भी दीजिएगा और दिए हुए हमारे नंबर के ऊपर अगर कोई क्वेरी हो तो संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।